नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord vs Vivo V20 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus Nord में 6.23 इंच जबकि V20 2021 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus Nord में 2.89 इंच जबकि V20 2021 में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus Nord में 0.32 इंच जबकि V20 2021 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus Nord में 184 ग्राम्स जबकि V20 2021 में 171 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus Nord में फ्लूइड AMOLED जबकि V20 2021 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus Nord में 86.29% जबकि V20 2021 में 83.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus Nord में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V20 2021 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus Nord में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V20 2021 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus Nord में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V20 2021 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus Nord में Adreno 620 जबकि V20 2021 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus Nord में Qualcomm Snapdragon 765G और V20 2021 में Qualcomm Snapdragon 730 मिलता है। बात करें RAM की तो OnePlus Nord में 8GB की RAM मिलती है जबकि V20 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus Nord में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V20 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो OnePlus Nord में नहीं है जबकि V20 2021 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus Nord में Android V10 क्यू जबकि V20 2021 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus Nord में 4115 mAh जबकि V20 2021 में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus Nord में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V20 2021 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 30,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V20 2021 की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord आगे है, मेन कैमरा में V20 2021 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में OnePlus Nord आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है, दूसरा Asus ROG Phone 3 है, तीसरा Samsung Galaxy S20 FE 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H20 Fusion है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।